सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रणाम यानी नमस्कार। हम भगवान को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, इसका अर्थ है प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है आप हो, आपकी वजह से मैं हूँ। ये नाम, ये शोहरत, ये दौलत, ये धन, ये संपत्ति, ये वैभव आपकी कृपा से। मैं मेरा कुछ भी नहीं, परमात्मा की अभिव्यक्ति ही नमस्कार है। सब कुछ परमात्मा को ही मान लेना, तभी शरणागति होगी, तभी आप नमस्कार कर पाओगे, तभी आप प्रणाम कर पाओगे। जब तक भगवान को ही सब कुछ नहीं मान लो, तब तक आप प्रणाम नहीं कर पाओगे। झूठ मूठ का प्रणाम भगवान स्वीकार भी नहीं करते। तो कभी भी जब भी आप भगवान को प्रणाम करें तो दिल से करें, प्रभु आप ही हो, आपकी वजह से मैं। कई बार हम लोग कुछ गलत फहमी पाल लेते हैं मन में कि मेरी वजह से, अपनी वजह से नहीं, हम भगवान की वजह से। जो भी कार्य हो रहा है चाहे अच्छा या बुरा, भगवान की, उनकी इच्छा से। ज़्यादातर हम सब लोग क्या करते हैं, अच्छा कार्य होता है तो उसका श्रेय हम खुद को देते हैं, मैंने किया, और कोई बुरा काम हो गया तो कहते भगवान ने किया। ये हम लोगों की आदत। तो नहीं, जो भी कार्य हो रहा है प्रभु की इच्छा से। और एक बात और, जो होता है संसार में अच्छे के लिए ही होता है। चाहे तुरंत में वो हमारे लिए हानिकारक लगे, तुरंत में हमें ऐसा लगे कि बहुत बुरा हो गया हमारे साथ, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए वो अच्छा साबित होगा। तो कभी भी कोई भी घटना अगर ऐसी घटित हो जाए, हमें लगे कि बहुत बुरा हो गया है, तो ये सिद्धांत आप याद रखना, जो होता है अच्छा होता है। ये भगवद गीता का सिद्धांत।